जमुना ऑटो। इंडिया के अंदर जमुना ऑटो एक ऐसा कंपनी है जो स्प्रिंग मैन्युफैक्चर के मामले में इंडिया के अंदर नंबर वन पोजीशन होल्ड करता है और वर्ल्ड वाइड भी ये तीसरे रैंक में इसको देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जमुना ऑटो उसका जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ जमुना ऑटो के अंदर फ्यूचर ग्रोथ यानी कि टारगेट किस तरह से देखा जा रहा है, साथ ही साथ जानेंगे कंपनी के अंदर एक अच्छे न्यूज के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी भी आप ऑटो इंसिलरी कंपनी एनालाइज करने से पहले इंडस्ट्री कैसे कर रहा है वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंडिया की बात करिए तो इंडियन कमर्शियल व्हीकल्स में जमुना ऑटो का बहुत ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि जमुना ऑटो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर ज़्यादा यूजेस होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्वार्टर वाइज दिया हुआ है और राइट साइड में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस दिया हुआ है। तो यहाँ पे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स ये कलर में दिया हुआ है, उसके बाद मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और यहाँ पे टोटल नंबर दिया गया है। अभी क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो टोटल सेल है वो लास्ट क्वार्टर में कितना था, 211,000 टोटल कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया के अंदर सेल हुआ है। तो इस क्वार्टर में कितना हुआ है, लेटेस्ट क्वार्टर आप देखेंगे तो वहाँ पे 273,000 टोटल कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया के अंदर यहाँ पे सेल हुआ है। अगर आप मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स देखेंगे तो वहाँ पे भी ग्रोथ है, इवन लाइट कमर्शियल भी देखते हैं तो वहाँ पे भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज यहाँ पे दिखाया है। इसी चीज़ को लास्ट ईयर क्वार्टर फोर से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स देखेंगे तो वहाँ पे भी ग्रोथ है, इवन लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऑटो का जो कंपनी है वो अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। और कभी भी मार्केट के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स सेल ज़्यादा होता है उससे पता चलता है कि मार्केट के अंदर एक्टिविटी कैसे चल रहा है। उसी के साथ आप ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे लास्ट ईयर का कंपैरिजन इस फाइनेंशियल ईयर से किया गया है, तो यहाँ पे टोटल नंबर देखिए, जहाँ पे लास्ट ईयर 625,000 कमर्शियल व्हीकल सेल हुआ था इंडिया के अंदर, वो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो सेल हुआ है वो है 806,000 कमर्शियल व्हीकल्स। अगर हम जो मीडियम एंड हेवी की बात करें तो वहाँ पे भी इंडिया के अंदर ग्रोथ है, साथ ही साथ लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ है। अगर आप इसको फाइनेंशियली कंपेयर भी करते हैं तो वो भी यहाँ पे ग्रोथ की इशारा दे रहा है। तो 29% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है टोटल ईयर ऑन ईयर बेसिस कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि मेटल कभी भी मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो ऑटो कंपनी उस टाइम पे ये मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मेटल का प्राइस यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है तो ऑटो कंपनीज ऑटो एंसिलरी कंपनीज उसका फायदा उठा सकते हैं, कम प्राइस में उसको खरीद के यहाँ पे ऑटो कंपनी बनाने जितना भी ऑटोमोटिव कंपनी को सेल करते हैं तो वहाँ पे अच्छे प्राइस में उसको सेल कर पाता है और मार्जिन भी यहाँ पे अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे कि जमुना ऑटो कंपनी फ्यूचर में किस तरह से ग्रोथ यहाँ पे दिखाएगा, तो कंपनी ने यहाँ पे एक लक्ष्य रख के यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि लेटेस्ट ईयर के हिसाब से आप देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे 37% जो रेवेन्यू यहाँ पे कमाता है वो न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर ये कमाता है। हालांकि कंपनी का बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्ट है उसके अंदर अच्छा खासा ओल्ड प्रोडक्ट भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर 37% का यहाँ पे रेवेन्यू ये कमाता है। वो बढ़ के 2026 में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 50% तक करने का यहाँ पे इरादा रखे कंपनी ये चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जमुना ऑटो का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और पहले भी जितना वादा किए थे कंपनी ने वो कंप्लीट करके दिए थे, इसीलिए कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी यहाँ पे मिल जाता है। तो लक्ष्य क्या रखा है, 50% रेवेन्यू कंपनी न्यू प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे अर्न करेगा विद इन 4 ईयर्स। तो उसी के साथ यहाँ पे आप मार्केट्स में भी देखेंगे तो जो न्यू मार्केट है वहाँ पे कंपनी 23% का रेवेन्यू लाते हैं और उसका भी जो लक्ष्य रखा है वो 50% करने का इरादा रख के कंपनी यहाँ पे चल रहा है। तो अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल रख के जमुना ऑटो यहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे ROCE को ग्रो करने वाला है और अपना जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो भी ग्रो करने का इरादा रख के कंपनी आगे चल रहा है। लेकिन अच्छा खासा प्लान तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन किस तरह से ये कंपनी आगे जाके पूरा करेगा वो देखने वाला विषय रहेगा।
तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है उसने यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी जमुना ऑटो के अंदर किया है और ये जो खरीदारी किया है ये फेज वाइज किया गया है। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15.5% का हिस्सेदारी था जमुना ऑटो के अंदर, वो बढ़ के अभी कितना हो गया है 19.1%। एंड प्रोमोटर्स के पास 50% होल्डिंग में बरकरार रखा है, यहाँ पे कोई भी सेल आउट कंपनी ने यहाँ पे नहीं किया है। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स जमुना ऑटो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया के अंदर फ्यूचर में ऑटोमोबाइल कंपनीज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया करने वाला है तो जमुना ऑटो को भी इसको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जमुना ऑटो ने इंडियन मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा है, विदाउट जमुना ऑटो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी यहाँ पे अच्छा खासा जमुना ऑटो के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक साइक्लिक बिजनेस है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया के अंदर अच्छा करेगा तो जमुना ऑटो भी फ्यूचर में अच्छा करेगा। लेकिन निवेश करने से पहले आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। Never miss an update.